खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए इस घंटे को जरूर दबाएं। सच दिखाते हैं हम ताकि कुर्सी पर बैठने वालों की जमीन की अहमियत याद रह सके। सच दिखाते हैं हम क्योंकि हम हैं मिथिला की आवाज। नमस्कार दोस्तों, अभी एक खबर आ रही है बिहार के दरभंगा जिला के फोक पेपर मिल थाना क्षेत्र के, जहां पुलिस का नाम सुनते ही लोगों के मन में घबराहट होने लगती है। लेकिन इस पर कुछ अलग देखने को मिला। पूरा विश्व जिस तरह कोरोना जैसे महामारी के कारण भूखे मर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर मजदूरों को सबसे ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। वही देखते हुए अशोक पेपर मिल थाना क्षेत्र के बड़ा बाबू मोहम्मद जजा अली के द्वारा गरीब क्षेत्रों में जाके गरीब, जहां पे मजदूरी दिहाड़ी मजदूर, खाने पीने की चीज़ें विकलांग हो, सभी के बीच में राशन सामग्री, चावल, आटा, गेहूं, बिस्किट तथा अन्य सामग्री का वितरण किए हैं। तथा साथ में उन्होंने ग्रामीणों से ये भी बताया कि आप लोग लॉकडाउन के नियम का पालन करें तथा आपको अगर कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो हमें बेहिचक कॉल करें। तथा APM के थाना दक्षिण बड़ा बाबू मोहम्मद जजा अली ने हमारे संवाददाता से बात करते हुए बताया कि पुलिसकर्मी का ये मानवीय चेहरा बहुत ही बेहद है और इसी तरह हमें नियम का पालन करना चाहिए, क्योंकि DGP ने, बिहार के DGP गुप्तेश्वर पांडे का यही है कि अगर हमारे बिहार पुलिस अगर एक इंसान सही रूप से काम करे तो पूरे विश्व में बिहार पुलिस का नाम रोशन होगा। और इसी को देखते हुए बिहार के दरभंगा जिला के थाना अध्यक्ष मोहम्मद जजा अली के द्वारा गरीबों के बीच में इस तरह से राशन सामग्री का वितरण किया गया, जो कि एक बहुत ही मानवीय चेहरा माना जाता है। तो इसी बीच आगे की खबर देखते हैं बिहार के DGP ने क्या कहा। बिहार के अपने सभी पुलिस अधिकारियों, अपने सिपाहियों, अपने हवलदार, अपने दरोगा, अपने थानेदार, अपने इंस्पेक्टर, अपने DSP, अपने SP, सभी स्तर के सभी पुलिसकर्मियों को मैं बहुत प्रणाम करता हूँ, सलाम करता हूँ और मैं उनका कायल हूँ। उन्होंने एक इतिहास बनाया है और आज भी बना रहे हैं कि पूरे बिहार में अपनी जान हथेली पर रख करके 12 करोड़ बिहार वासियों की सेवा में लगे हुए हैं। आप पर मुझे फख्र है, आपने बिहार पुलिस का नाम रोशन किया है, आपने बिहार सरकार का नाम रोशन किया है और पूरी दुनिया हमको देख रही है किस तरह से हमारे अधिकारी, किस तरह से हमारे सिपाही दिन भर जनता की सेवा में और रात को शाम होने के बाद लोगों के लिए सर्विस सेवा का काम कर रहे हैं, खाना पहुंचा रहे हैं, दवाई पहुंचा रहे हैं, घर घर में जा रहे हैं, बूढ़े को, रोगियों को उनकी सूद ले रहे हैं, उनको अस्पताल पहुंचा रहे हैं, उनके लिए दवाइयां मंगवा करके दे रहे हैं, जिनको खाना नहीं उनको खाना पहुंचा रहे हैं। ये बहुत बड़ा काम, इतिहास बन रहा है, बिहार पुलिस की इमेज सकारात्मक हो रही है। जिस बिहार पुलिस को केवल लोग गालियां देते थे, आज उस बिहार पुलिस के नाम से लोग कस्में खा रहे हैं, उसको देवदूत समझ करके उसकी पूजा कर रहे हैं। 1-2% अपवाद लोगों को छोड़ दीजिए। तो मैं अपने सारे पुलिसकर्मियों को ये कहना चाहूँगा कि जैसे ये कोरोना का संकट दूर होगा, हम कोरोना वीर सम्मान करेंगे। हमारे जिन सिपाहियों ने, हवलदारों ने, हर पंक्ति के जिस पदाधिकारी ने कोरोना में गुड सामरिटन का काम किया है, जनता की सेवा का काम किया है, अपने सेवा से जनता का दिल जीता है, उनका सम्मान समारोह करेंगे, उनको पुरस्कृत करेंगे, उनको सलाम करेंगे। और आपके हाथ में बिहार की तकदीर है, बिहार का भविष्य है, बिहार को बचाना है, इसलिए लॉकडाउन को सख्ती से पालन कराइए। किसी निर्दोष आदमी को नहीं पीटना है, पास लेकर जाने वाले को नहीं छेड़ना है, और कोई सोशल ये आपातकालीन सेवा का कर्मचारी है, कोई एसेंशियल सर्विस का कर्मचारी है, सब आपको पता है कि किनको नहीं छेड़ना है और किनको नहीं छोड़ना है। जो बदमाशी करें, आवारागर्दी करने के लिए, मटर गश्ती करने के लिए रोड पर घूमें, उनके साथ क्या सलूक करना है ये भी आपको मालूम है। तो मैं आपको केवल सलाम करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तमाम सिपाही से लेकर के ऊंचे अधिकारी तक, जो भी हमारी टीम के लोग इसमें लगे हैं बिहार पुलिस के, सबको मेरा बहुत बहुत सलाम। वहीं दूसरी और खबर आ रही है बिहार के जमुई जिला से, जहां की ऑटो चालक के परिचालन बंद हो जाए।